बदल जाते हैं लगातार जैसे जैसे कैडर में ये आगे बढ़ते जाते हैं, ये पीछे रहना, पुलिस से छिपकर रहना शुरू कर देते हैं, बदले हुए चेहरे की तस्वीरें मिलना कई बार मुश्किल होती है। शंकर राव को पकड़ लिया जाना इस वजह से भी, जब भी दंडकारण्य स्पेशल जोन कौन संभालेगा, या जब भी बस्तर की कमान किसे दी जाएगी, जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा, जब भी कोई बड़े नक्सली के विकल्प को देखा जाता है, लीडर के विकल्प को देखा जाता है, इस शंकर राव का नाम जरूर रहता है। 25 लाख का इस पर इनाम है। इसके अलावा ललिता और माधवी, इनके बारे में भी जानकारी मिल रही है, किन किन ऑपरेशंस में ये रहे, कितना नुकसान इन्होंने सरकारों को, सुरक्षा बलों को, आम इंसानों को पहुंचाया है, उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कुंडली है। लेकिन टॉप कमांडर शंकर राव को ढेर कर दिया जाना इस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी समझिए कि नक्सलियों का जो मनोबल है उस पर गहरा असर यह करेगा। सरकार में आते ही एक जिम्मेदार मंत्री ने कहा था, या आर या पार, या तो आके बात कर लो वरना फिर हम आकर खत्म करेंगे। दूसरी तरफ उस पहलू को भी देखिए कि कवर्धा में साफ कर दिया गया है, नक्सलियों की जानकारी लाओ, 5 लाख का इनाम पाओ। यह व्यापक तरीके से चलाई जा रही रणनीति, यह व्यापक तरीके से चलाई जा रही रणनीति का नतीजा कि आज आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक वो इलाके जहां कोई घुस नहीं सकता था, वहां पर घुसकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और एक वो चेहरा जिन्होंने यह तय कर लिया था कि जनताना सरकार के अस्तित्व को लोकतंत्र से ऊपर रखेंगे, उसकी ये तस्वीरें, माला चढ़ गई इस तस्वीर पर, ये समझ लीजिए नक्सलियों की तरफ से। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अभी तक जो खबर निकल कर सामने आई है कि जो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस नक्सलियों का जो मुठभेड़ है हुआ है, उसमें जो है दो जवान घायल हैं और कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की जो है पुलिस ने यहां पर पुष्टि कर दिया। और अभी जो है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है नक्सली वहां पर सक्रिय हैं, तो जो नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो है वहां पर सर्चिंग अभियान जो है रोजाना चलाया जा रहा है। और अभी उस क्षेत्र में जो है जो सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जो जवान हैं वो जुटे हुए हैं। जी, और अभी अभी बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि 18 जो नक्सली हैं उन्हें ढेर करने की जानकारी मिली है। यह आंकड़ा बढ़ेगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था, पूरी जानकारी हथियार की, नक्सलियों की, ये तभी साफ हो पाएगी कि जब हमारे जो जवान हैं वो वापस बेस कैंप तक लौट जाएंगे। सबसे पहले जवानों को सुरक्षित बेस कैंप पहुंचना बहुत जरूरी है। जवानों को बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, न सिर्फ जवान, लोकतंत्र के लिहाज से बड़ी कामयाबी है। मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। टॉप कमांडर शंकर राव मारा गया है, ललिता मारी गई है, ये सभी DVC रैंक के थे। DVC रैंक ऐसे समझ लीजिए कि नक्सलियों की तीसरी और चौथी कैटेगरी, टॉप से लेकर तीसरी चौथी आप समझ लीजिए इसे। हालांकि इसके नीचे भी और रैंक होती हैं, महिला नक्सली भी ढेर है, ललिता माधवी, ललिता पर भी लाखों का इनाम था, 25 लाख का इनाम शंकर राव पर था। और लगातार ये अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, 18 नक्सली ढेर हो गए हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब तक टीम वापस नहीं आएगी ये आंकड़े बदलते रहेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये कि बड़े ऑपरेशन और रणनीतिक कामयाबी, सक्सेस के तौर पर इसे देखा जाए एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौर में, चुनाव के दौर में, नक्सलियों का इतना बड़ा जमावड़ा, शंकर राव का जमावड़ा, ललिता का जमावड़ा, माधवी का जमावड़ा, यह दिखाता है कि कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग में थे, वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई, यह सबसे बड़े मार्के की बात है। इसी DRG ने दंतेवाड़ा में अपने जवानों को खोया था, और तब से DRG के जो ऑपरेशन है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, तब से जो DRG के ऑपरेशन है उनमें लगातार पैनापन आया है। BSF भी, हालांकि अब तक जो जानकारी मिली, BSF भी इस ऑपरेशन में, ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल थी। खेम नारायण, इसके बारे में भी बताएं, मेरा ख्याल है BSF भी इसमें शामिल थी DRG के साथ साथ। जी देखिए, यहाँ पर जो कांकेर के क्षेत्र हैं, नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर BSF के भी कैंप है सुरक्षा बल के जवानों के, और जो सुरक्षा बल के जवान हैं और पुलिस की जो DRG के जो जवान हैं, ये संयुक्त रूप से जो है
जो सर्चिंग पार्टी है उसमें रोजाना गश्त में निकलते हैं, नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकलते हैं। और यही इस दल में भी जो है बीएसएफ के एक जवान के घायल होने की पुष्टि हुई है और डीआरजी के भी एक जवान के घायल होने की पुष्टि की गई है, जिसे अतिरिक्त बल के द्वारा उनको स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए लाया गया है। जी, स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए लाया गया है। योगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विजय शर्मा साहब गृह मंत्री फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, एक नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी की खबर मिल रही है, 12 नक्सलियों को ढेर किए जाने की पुष्टि हुई है और यह आंकड़ा 18 तक बढ़ सकता है। जी, नक्सल दो अंकों में ये स्थिति है और थोड़ा समय पे स्पष्ट होगा संख्या क्या है, परंतु ये है कि सुरक्षा बलों ने बहुत साहसिक कार्य किए हैं और एक बड़ी सफलता कांकेर जिले के दक्षिण में और नारायणपुर जिले के उत्तर में जो एरिया है, थोड़ा माड़ का एरिया कहलाता है जी, पर यह घटना हुई जी। एक बड़ी कामयाबी ये भी शर्मा साहब के जो शंकर राव ललिता माड़वी डीवीसी रैंक के लीडर थे, ये दोनों भी ढेर कर दिए गए, माधवी का भी नाम आ रहा है, हथियार भी बरामद हुए जी। AK-47 SLR MPAS और 303 बहुत सारे, ये सारे चाकू बरामद हुए, बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है, एक पूरा कैडर पर खत्म हुआ है। बिल्कुल सुरक्षा बल के जवानों को, पुलिस के अधिकारियों को सबको बधाइयां देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये अभियान बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ में चल रहा है जी। जी, एक और बात है गृहमंत्री साहब के, अभी हाल फिलहाल के एक साल के घटनाक्रम को देखा जाए, बस्तर में अपने अपने 9 साथियों को टारगेट किलिंग में खोया है। मेरा ख्याल है पदभार ग्रहण करने के 2 या 3 दिन बाद आपने कहा था कि या तो आकर मेज पर बात कर लो और या फिर इस तरह से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, उसे जोड़ा जाए इसके साथ। नहीं, सरकार तो कभी भी चर्चा के लिए तैयार है और हाल में चाहते हैं सरकार पूरी चाहती है ये खून खराबा ना हो। फिलहाल में सरकार का यह मानना है कि शांति से चर्चा करके विषय समाप्त किया जाए, बस्तर का विकास हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, तो अगर लक्ष्य एक ही है तो एक साथ चला जा सकता है जी। शर्मा साहब, एक बड़ी चुनौती जो जवान हमेशा भुगतते हैं, आज भी हम जब कवरेज शुरू करते हैं तो ये पता चलता है कि जब तक टीम नहीं लौटेगी तब तक पता नहीं चल पाएगा, नेटवर्क अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी अगर बस्तर की बात कर ली जाए, 59 केंद्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ रनर के भरोसे पूरी टीम रहेगी, मतदान दल, नेटवर्क बड़ी समस्या है। शर्मा साहब, मेरी बात सुने, ये नेटवर्क कोई समस्या वहां पर है ये बात तो चर्चा बात की होगी, वहां पर तो बिजली नहीं है भैया, गांव में आईडी बिछा है, बस्तर के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा हुआ है, चक्कर ये है ना जी, तो वहां बिजली नहीं है अभी, कहां अभी आप नेटवर्क वेटवर्क की बात कर रहे हैं, वहां तो बिजली होना है, अभी पानी होना है, स्कूल होना है, अस्पताल होना है, ये सारी चीजें रुकी हुई है, क्यों रोका जाए भाई इनको, क्यों कोई रोके जी। सरकार की रणनीति और आक्रामक, सरकार चर्चा करना चाहती है, शांतिपूर्ण सब कुछ हल करना चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं है, बाकी बस्तर के गांव के विकास के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे कैसे भी जी। जी, जवानों के लिए और जो मतदाता हैं जिन्हें अब वोट करने जाना है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, सरकार खड़ी है? निसंदेह डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की जरूरत सबको है, पुलिस का दिया हुआ कोई भी निर्देश हो, सलाह हो, उसको जरूर माने, सुरक्षा बहुत बड़ी है, बड़ी बात है, सुरक्षा पर जरूर ध्यान दें सब लोग। ठीक, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वो मुझे अभी याद आया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कबीरधाम में, कवर्धा में, वहां ये किया गया कि नक्सलियों के बारे में जानकारी दीजिए और 5 लाख का इनाम लीजिए, क्या ये इनिशिएटिव थोड़ा और बड़ा किया जाएगा? शर्मा साहब, इनिशियली जो कुछ वहां शुरू हुआ है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है, इस दिशा में और आगे जाने की आवश्यकता है, समय रहते फिर करेंगे वो सब कुछ। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडी का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47 SLR इंसास 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है,
फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आने के बाद दी जाएगी। तो पी सुंदर राज को भी आपने सुना, और जैसे ही जानकारियां, जैसे ही टीम वापस बेस कैंप पे लौटेगी,